अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। नमस्कार, एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 का वह दिन जब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। नोटबंदी के बाद आखिर कितनी बदली है जिंदगी, क्या वाकई में आम आदमी को नोटबंदी से राहत मिली है या फिर परेशानी लगातार यहां पर जारी है। पब्लिक से जानेंगे, पब्लिक क्या कहती है, आखिर नोटबंदी के बाद कितना असर हुआ है। हम इंदौर की एक दुकान पर यहां पर खड़े हैं, लगातार जिस तरह से हम लोग बात करें तो दुकानदार किस तरह का उनका नज़रिया है यह भी जानेंगे। क्या वाकई में एक साल जो नोटबंदी का हुआ है उसके बाद, नोटबंदी के बाद कितनी बदली ज़िंदगी, आपका नज़रिया क्या कहता है? व्यापार बहुत मंदा पड़ गया और ऊपर से जीएसटी लग गया है। हम खुद की घर की दुकान से किराए की दुकान में आ गए, आज ये हाल है। नोटबंदी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, आम लोगों को भी काफ़ी फर्क पड़ा है। ये कहीं ना कहीं प्रभावित है आम दुकानदार, कहीं ना कहीं नोटबंदी से परेशान है पब्लिक। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, जानेंगे किस तरह से नोटबंदी का जो आलम था एक साल पहले, अब क्या हालात आपको लगते हैं, नोटबंदी से कितना असर हुआ है? नोटबंदी से बहुत ज़्यादा असर हुआ है। नोटबंदी से सारे व्यापार खत्म हो चुके हैं हमारे, जीएसटी से और ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। मतलब इससे सारे व्यापारी की ये परेशानी चालू हो गई है कि उनके जो वर्कर रख रखे हैं उनका खर्चा उठाने में बहुत परेशानी आ रही है। एक साल के बाद में क्या स्थिति आप देखते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात की गई थी, काले धन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकंजा कसने की बात की गई थी, आप क्या मानते हैं कहीं ना कहीं इन सब वादों को पूरा करने में सरकार यहाँ पर जो है वो पूरा इन वादों को करने में कामयाब हो पाई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने लगा नहीं है, ऐसा कुछ लगता भी नहीं और आगे की ऐसा कुछ होगा इस चीज़। और बस ले रहे कि गरीब जनता बिसारी है, बाकी जो पैसा वाला वो तो सब मौज मस्ती में, बाकी गरीब जनता को सबसे ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत उलझी हुई है, नोटबंदी के बाद हालात कहीं ना कहीं यहाँ पर पटरी पर नहीं लौट पा रहे हैं। और जानेंगे पब्लिक से, क्या आप मानते हैं नोटबंदी के बाद आम आदमी की जेब पर कितना असर है, एक साल में नोटबंदी से कितनी बदली जिंदगी? नोटबंदी से कहीं ना कहीं व्यापार में फर्क तो आया है, व्यापारी परेशान भी हुए, लेकिन नोटबंदी का फैसला क्यों लिया ये किसी को नहीं मालूम। मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला इसलिए लिया कि कई करोड़ों के नोट नकली अपने देश में चल रहे थे, जो कि 500-1000 के नोट, उसमें जब हम देखते थे कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी ये इसीलिए होती थी, नकली नोट के उससे उनमें पत्थरबाजी होती थी। तो जो नोटबंदी का फैसला लिया मोदी जी ने, बहुत अच्छा फैसला लिया था, देश के हित में फैसला लिया था, इस पक्ष में मोदी जी का साथ हूँ मैं नोटबंदी के। अमूमन अगर देखें तो बाज़ार में स्थितियां बहुत विपरीत होती है। पहले आम व्यक्ति जो है वो जेब में जो है वो बड़ी मोटी रकम लेकर निकलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने में भी दिक्कत आती है, किस तरह की परेशानियां हैं? अगर नोट है तो अब तो परेशानी तो आएगी ना, खुले ही नहीं मिल रहे उसको, तो कहाँ से आएंगे उसके बाद? दुकानदार के पास नहीं खुले, 2000 का तो परेशानी तो आई रही, हर आदमी परेशान, ऐसा नहीं नोटबंदी सभी परेशान है। आज बाजार की रौनक ही खत्म हो गई है, कहीं ना कहीं रौनकें खत्म हो चुकी है। नोटबंदी का फैसला जो है वो एक साल पहले जब लिया गया था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर कारगर साबित नहीं हुआ है। फिलहाल लोगों का यही कहना है, पब्लिक का यही कहना है कि नोटबंदी का फैसला ज़रूर यहाँ पर बड़ा था, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का कोई खास सुधार होते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नोटबंदी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए। एक साल का वक्त ज़रूर यहाँ पर बीता है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नोटबंदी का यह फैसला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से कारगर हो, ताकि कहीं ना कहीं आम आदमी को यहाँ पर राहत ज़रूर मिले। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जुमले हैं वो ही यहाँ पर बन के न रह जाए। कहीं ना कहीं एक बात यह भी कहें कि जिस तरह से सोनम गुप्ता बेवफा थी उसकी तरह कहीं ना कहीं ये जुमला यहाँ पर बनकर ना रह जाए। किसी शायर ने भी खूब कहा है कि हासिल कुछ ना हुआ सर्द आहें भरकर और रातें गुजरी सिर्फ करवटें बदलकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ।